हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। बनाते हैं आज मार्केट जैसा एकदम स्पॉन्जी ढोकला, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा तरीका अलग है, तो ये आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो मेरी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का निशान है उसे टच कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ऑरेंज जूस, हाफ कप ऑरेंज जूस, और जितना ऑरेंज जूस लिया है उतना ही मैं इसमें पानी डालूंगी, यानी हाफ कप पानी। और मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच तेल। एक बार मिक्स कर लेते हैं। और नमक, हाफ चम्मच नमक। एक बार इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम। कलर के लिए हाफ चम्मच हल्दी, इन्हें मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इन्हें साइड कर लेते हैं। ले लेते हैं दूसरा बॉल, और इसमें मैं ले लेती हूँ बेसन। बेसन को आपको छान कर लेना है। छान कर लेने से हमारा ढोकला बहुत अच्छा फूलता है। मैंने इस घोल में चीनी नहीं डाला है, क्योंकि ऑरेंज हमारा थोड़ा मीठा होता है। तो अब इस घोल से हम अपने बेसन को घोलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे पहले, एक साथ ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इन्हें घोलते जाएंगे। इनमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। एक कटोरी बेसन के लिए मैंने 1 कटोरी घोल तैयार किया था, जिसमें आधा ऑरेंज जूस था और आधा पानी। तो अब देखिए बिल्कुल ये बैटर परफेक्ट है। तो एक ही तरफ से आपको इसे फेंटना है। और अब हम डालेंगे इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट। तो एक से मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट ले रखा है। थोड़ा सा इसके ऊपर 1 चम्मच मैं और डाल लेती हूँ पानी। और एक बार हम इन्हें फेंट लेते हैं। इनू डालने के बाद आपको इसे ज़्यादा वक्त तक फेंटना नहीं है और रखना भी नहीं है। फटाफट जब आप बनाएं तभी इसमें इनू डालिए। ढोकला बनाने के लिए मैंने इस तरह का प्लेट लिया है। आप चाहें तो केक टिन ले सकते हैं। तो इसे मैं इस तरह ग्रीस कर लेती हूँ पहले। अच्छी तरह आप ग्रीस कर लीजिए, ताकि निकलने में आसानी हो। और अब हम अपने बैटर को डाल लेते हैं। और हल्का सा इस तरह टैप कर दीजिए, जिस तरह आप केक बनाते वक्त टैप करते हैं। और अब मैंने एक कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाल करके रखा है, इस तरह स्टैंड डाल करके। आप चाहे तो स्टैंड नहीं है तो कटोरी रख सकते हैं पलट करके। तो अब हम अपने बैटर को यहाँ रख लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करना है। और अब हम इसे ढक देते हैं। एक बार आप इसमें नाइफ डाल करके चेक कर लीजिए। तो ढोकला तो हमारा तैयार है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं पहले। तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा इसमें जाली पड़ा हुआ है और एकदम स्पॉन्जी हुआ है। अब मैं इसे काट लेती हूँ। अब एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का के लिए मैंने तड़का पैन ले रखा है, और इसमें डाल लेती हूँ 2 चम्मच ऑयल, और फिर डालती हूँ मैं 1/2 चम्मच राई। राई थोड़ा तड़क जाए फिर मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल मैंने लिया है। और मैं ले लेती हूँ 2 पिंच हींग। और उसके बाद मैंने लिया है इस तरह लंबे कटे हुए हरी मिर्च, और थोड़े से मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते। तो इसे भी हम
डाल लेते हैं अपने तड़के में। अब आप अपने गैस को बंद कर लीजिए और बंद करके फिर इसमें डालिए पानी। खाना बनाते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखना ज़रूरी होता है, तो अगर आप जलते में डालेंगे तो ये एकदम से छीटा आएगा। तो अब आप अपने गैस को चला लीजिए पानी डालने के बाद में। तो मैंने एक कप इसमें पानी डाला है और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने इसमें अपने ढोकले में नमक डाला है। और डाल लेती हूँ मैं इसमें 3 चम्मच चीनी। चीनी थोड़ा हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने ऑरेंज जूस से बनाया है उसे, तो हल्की सी मिठास हमारे ढोकले में भी है। तो अब हम इसे एक बार चीनी को गलने देते हैं और इसे उबाल पे आने देते हैं। हमारा चीनी गल गया है और पानी उबाल पे आ गया है। तो अब हम अपने गैस को बंद कर देते हैं। और गैस को बंद करने के बाद में मैंने लिया है 2 चम्मच नींबू का रस, इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है, इसे मैं डाल लेती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा और लुक भी अच्छा आएगा। तो अब हम डाल लेते हैं अपने तड़के को अपने ढोकले पे इस तरह। तो फ्रेंड्स, इतना स्पॉन्जी और इतना सॉफ्ट और डिफरेंट टेस्ट वाला हमारा ये ढोकला हुआ है। अब हम इसे अपने प्लेट में लगा लेते हैं। तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट ढोकला मार्केट से भी अच्छा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, देखकर आपका भी मन कर रहा होगा बनाने के लिए, तो जाइए आप भी बनाइए। और फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।